तालिबान ने शहजादा हेरी पर तनकीद करते हुए कहना है कि अफगानिस्तान पर मगरबी कब्ज़ा इंसानी तारीख का अफसोसनाक लम्हा था। शहजादा हेरी का बयान काबिज फौज के हाथों पहुँचने वाले उस सदमे की अक्कासी करता है जिससे अफगानी दो चार हुए। दोस्तों, अफगानिस्तान में बरसर इख्तदार तालिबान के सीनियर रहनुमा अनस हक्कानी ने गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी शहजादा हेरी को मुहातिब करते हुए कहा। उन्होंने अफगानिस्तान में जिन लोगों को कत्ल किया वो शतरंज के मोरे नहीं बल्कि इंसान थे। वाज़ह रहे कि बरतानवी शहजादा हेरी के 10 जनवरी को स्वाना उमरी स्पीयर शाया हो रही है जिसके कुछ इख्तबासात आलमी मीडिया पर सामने आए हैं। उन्होंने अपनी किताब में इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान में बरतानवी फ़ौज के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए उन्होंने 25 अफगानों को हिला किया था। अमेरिकन प्रेस के मुताबिक बरतानवी शहजादे ने कहा कि वो इन हिलाकतों पर नहीं फ़ख्र महसूस करते हैं और न ही शर्मिंदगी, और वो जंग में दुश्मन के जंगजुओं को शतरंज के बसात से उठाए जाने वाले मोहरों की तरह समझते हैं। बरतानवी शहजादे के इस एतराफ के जवाब में अनस हक्कानी ने ट्विटर पर एक पैगाम लिखा, जनाब हेरी, जिन लोगों को आपने कत्ल किया वो शतरंज के मोहरे नहीं इंसान थे, इनके अहल खाना थे जो इनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मजीद लिखा कि अफगानों के कातिलों में से बहुत सारे लोगों के पास अपने ज़मीर को जाहिर करने और अपने जंगी जरायम का एतराफ़ करने की शाइस्तगी नहीं। अनस हक्कानी ने ट्वीट में मजीद कहा, हक वही है जो तुमने कहा, हमारे मासूम लोग आपके सिपाहियों फौजी और सियासी रहनुमाओं के लिए शतरंज के मोहरे ही थे, फिर भी आपको सफ़ेद और सियाह मुरब्बा खानों के इस खेल में शिकस्त हुई। उन्होंने लिखा, मुझे तवक्को नहीं कि ICC यानी इंसाफ की आलमी अदालत आपको तलब करेगी, ये इंसानी हकूक़ के कारकुन आपकी मजम्मत करेंगे क्योंकि वो आपके मजालिम देखने के लिए बहरे और अंधे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन मजालिम को इंसानियत की तारीख में याद रखा जाएगा। दोस्तों, शहजादा हेरी ने अपना स्वाना उमरी में अपनी ख़ानदानी और ज़ाती ज़िंदगी के वाक़ियात दर्ज किए हैं जिनमें इनके बड़े भाई शहजादा विलियम के हाथों 2019 में इन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम शामिल है। इस किताब में हेरी ने दावा किया है कि उन्होंने 2012 में अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बरतानिया की फौजी मुहिम के दौरान अपाची हेलीकॉप्टर के शरीक पायलट और गनर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 38 साल ड्यूक ऑफ सिसेक्स ने नेटो अफवाज के दौर में अफगानिस्तान के दो दौरे किए थे जिनमें पहला फारवर्ड एयर कंट्रोलर के तौर पर था जबकि दूसरी बार 2012 और 13 में जंगी हेलीकॉप्टर उड़ाया। शहजादा हेरी का कहना है कि न मुझे फ़ख्र है और न ही शर्मिंदगी। उन्होंने शतरंज की मिसाल देते हुए कहा, इनको ऐसे ही ख़त्म किया जैसे बोर्ड पर से गोटियां हटाई जाती हैं। हेरी ने बरतानवी फ़ौज में 10 साल तक खिदमत अंजाम दी है। दूसरी जानिब शहजादा हेरी के बयान के बारे में बरतानिया के वज़ीर दिफा के तर्जुमान से पूछा गया तो उनका कहना था कि हम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तबसरा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आज की इस वीडियो का अहतमाम होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।